अभी भी लड़की देखनी है शिट। ये सच बात है, मेरे टिकटॉक के ऊपर मत जाएं, वो जस्ट टिकटॉक से वही कंटेंट है, नथिंग एल्स, कोई मेरा कुछ नहीं है, किसी से मेरा रिलेशन। और जब तुम इतने निकाह कर ये देखो लोगों की हंसने की आवाजें आ रही है दूसरे। अल्लाह पाक अंकल को शिफा दे, तो बस अल्लाह पाक अंकल को शिफा दे, जल्द से जल्द अंकल ठीक हो जाए। मुश्किल है बाजी के जाने के बाद से, तो बात है आंटी के जाने के बाद से अंकल जा रहे हैं। अपने से इसके वेट चेक करो, और वेट कम लग दी लानत यार, ये 68 से नीचे क्यों नहीं जा रहा। अब मैं रो जाऊंगी, मैं डाइट सही नहीं कर रही शायद, हाँ चीट कर रही हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग। सोचा था आज जब मैं आके सबसे पहले वेट चेक करूंगी, घर में 66 बताता है, यहाँ पे आते 68 बताता है। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई इसलिए कि मैंने सोचा था वेट कम होगा। खैर नीचे क्लास हो रही है, मैं जा रही हूँ क्लास लेने के लिए। और ये मेरे इंचेस थे जो रजा ने लिखे थे एक हफ्ते पहले, और अब हम एक हफ्ते पहले तीन दिन पहले तुमने ये कितने दिन पहले लिखा था? नहीं ना, इसको लिखे हुए एक हफ्ते से ज्यादा, 5 दिन हो गए। चलो ये तो इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, 15 दिन में इंचेस में फर्क आता है। और आज जिम में ही बैठ के हम लोग खा रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ये मेरी तो चीटिंग नहीं है, मैं तो अपना नाश्ता कर रहा हूँ। एक बाइट लो। रिजा अपने YouTube चैनल पे भाई रोज का दिखाती है, क्या दिखाती हो? फिटनेस विद रिजा इब्राहिम मेरा चैनल है, आप लोग उसको फॉलो करें। अगर आपको डाइट प्लान्स चाहिए, एक्सरसाइजेस चाहिए, शॉर्ट्स में देखें आप लोग, तो आप लोग को फ्री में पूरे पाकिस्तान को मैं गाइड कर रही हूँ और बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही हूँ, आपका वेट लॉस होगा। रिजा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज आप लोग को, लेकिन देख लें ट्रेनर जिम में मत दिखा, मत दिखा, मत दिखा। कोई नहीं का ट्रेनर की कोई जिंदगी नहीं है क्या यार? आज के मैं बहुत मंड रही हूं, मैं अपना ब्रेकफास्ट यहीं ब्रेकफास्ट यहीं ले आई थी, तो मेरा आधा दिन तो रिजा के साथ गुजरता। क्या करें, मोहब्बत हो गई ना कशफ से, दो बात है, एक दूसरे के बगैर जिंदगी नहीं गुजर रही। सो गाइस, जिम से निकल चुकी हूँ और मैं बड़े आराम से अपनी गाड़ी में बैठी हूँ पैर ऊपर करके, क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरे 3 से 4 दिन से सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं बिल्कुल भी अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो रही हूँ, मैं व्लॉग्स अच्छे नहीं बना रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? मुझे शायद अपने आप को खुद मोटिवेट करने की ज़रूरत है, और वो मैं खुद को नहीं कर रही हूँ मोटिवेट। मुझे करना चाहिए खुद को मोटिवेट, या मुझे आप लोग मोटिवेट करें। मैं बहुत बुरा कर रही हूँ अपने साथ, मैं अपना वज़न कम नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना वज़न कम करा, मेरा वज़न स्टक हो गया है और मेरा वज़न नहीं जा रहा है। मेरी इतनी जिम करने पे भी, मैं डाइट भी कर रही हूँ बट इतनी अच्छी डाइट नहीं कर रही, लेकिन कर रही हूँ, फिर भी वेट नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अब मैंने सोचा कि मैं वापस अगेन वाटर फास्टिंग पर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे 55 पे जाना है, मेरा वज़न 68 पॉइंट समथिंग पर स्टक हो गया है, क्या करूँ मैं? खैर अभी मैं आप लोग को ये बताने के लिए व्लॉग स्टार्ट किया था कि मैं जा रही हूँ सैलून और वहाँ से करवाऊँगी अपनी सर्विसेज और अपने आप को करवाऊँगी साफ़ सुथरा, ताकि मैं ख़ुद को प्यारी लगूँ और मुझे मोटिवेशन आए और मैं ख़ुद को अच्छी लगूँगी, तो ही शायद अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँगी। सो लेट्स गो। सर्विसेज होंगी और सर्विसेज में क्या क्या होगा मैं दिखाती हूँ, बट यहाँ पे जो साउंड है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें।
इतने गोरे चिकने सब कुछ हुआ है फिर भी ये तुम इतनी सर्विसेज मतलब क्या चाहते हो, मतलब जितनी लड़कियां तुम हाँ क्या चाह रहे हो? मैं बस चाह रहा हूँ कि जो है ना हाँ क्या चाह रहे हो, किसी की नजर पड़े तो नजर हटे। मतलब तुम ये बताओ तुम शादी किससे करोगे? मतलब मैं जो लड़कियाँ देख रही हूँ मतलब इतनी लड़कियाँ नहीं, कौन आजकल तो कोई भी नहीं है यार। वाजी तुम्हारे टिकटॉक पे जितनी लड़कियां ना लोग परेशान हो गए कि तुम शादी, आज तुम मेरे व्लॉग में बता दो कि तुम किसके साथ सीरियस हो। यार तुम इस व्लॉग से अगर मेरे मैसेज जा रहे हैं तो सबसे पहले मेरे लिए एक अच्छी लड़की देखनी है आप लोगों ने। शिट अभी भी लड़की देखनी है शिट, ये सच बात है। मेरे टिकटॉक के ऊपर मत जाएं, वो जस्ट टिकटॉक से वही कंटेंट है, नथिंग एल्स, कोई मेरा कुछ नहीं है किसी से मेरा रिलेशन। और जो तुम इतने निकाह कर ये देखो लोगों की हंसने की आवाजें आ रही है दूसरे। देखो मैं बात साफ है, निकाह कितने निकाह मुझे गिनवा दो, एक ही निकाह मेरा हुआ था, दूसरा निकाह जो हुआ था वो बहुत बैड स्टोरी है, उसको स्क्रिप्टेड समझे आप लोग। वो स्क्रिप्टेड था वो तो तुमने अपनी दुल्हन दिखाई नहीं है, तुमने ज्यादा अच्छा कल मंदी का काम किया था। सही किया ना? हाँ। अब नेक्स्ट भी ऐसी करें। एक मिनट गाइस ये मैं व्लॉग बंद करी, पहले मैं खुद स्टोरी सुन के आती हूँ फिर शायद मैं थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ। ये बताओ इलियास पे क्या आए दिन तुम करते रहते? इलियास तो अब मेरा दूसरा घर हो गया, यही मुझे हीरो बना रहा, और इसके बाद नहीं जो दुल्हन आएगी जाएगी बाद उसके वो भी यहीं से तैयार होगी। बात तो भाई वादिस तो चला गया, वादिस से मैंने पूछ लिया फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसने बोला भाई कोई नहीं सिंगल है, कोई लड़की हो तो बताओ, कोई लड़की है तो वादिस से कॉन्टैक्ट कर। कह रहा भी मेरा काम हो रहा है यहाँ पे, और मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल वैक्सिंग, आज मैं चाह रही हूँ मैं आज इतना काम कराऊँगा सबको मोटिवेट करूँ, ये क्या हुआ? So guys, how I am looking? कैसे लग रहे my hairs? Oh sorry, hair, not hairs. बेटा ये इतने लंबे बालों से इतने हुए हैं तो अब कुछ दिन बाद देखिएगा ये भी खत्म हो जाएंगे। आप वो जो फिल्म एक्टर थी ना इंडियन, हाँ उसकी तरह आपके इतने इतने बाल होंगे। कितने कितने? इतने इतने से पतले हो गए थे कटवाने। हाँ वो तो और पतले होंगे, बेफिक्र रहिए। दिल में दर्द हो कैंसिल करके ये करवा दिया, मैं तो इतने करवा रही थी इतने इतने अच्छे करवा लो है ना बेटा, वो इतने बाल गिर रहे ना वो बॉब कट तुम्हारा गायब हो जाता। अस्सलाम वालेकुम, शर्म भी नहीं आई तो तुम्हें कब आई थी इतने लंबे वालों को कटवाते वक्त? गाइस यम्मीस फूड इज इट। अभी हम लोग घर से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं जैनब के अब्बू को देखने के लिए, क्योंकि जैनब के अब्बू को जो है वो किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है। पता नहीं बेचारे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जैनब बहुत ज़्यादा सैड थी, तो हमने बोला कि चलो अंकल को देखने के लिए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी जाके देखते हैं कि अंकल की कंडीशन कैसी है, अंकल को क्या हुआ है, अंकल ठीक है या नहीं है। वैसे तो माशाल्लाह ठीक है, जैनब की बात हुई थी, उन्होंने मेडिसिन ले लिया, उनको इंजेक्शन भी लग गए हैं, लेकिन खैर अभी जाते हैं तो देखते हैं कि अंकल की कैसी तबीयत है। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। कहाँ कर लें आप, कहाँ कर लें आप? अरे दोबारा दोबारा आए पकड़ना इस चीज पर काम करना चाहिए, हमारे भी गरीब में बहुत मुक्के हो रहे भाई। समझ में तो अंकल ऐसे कैसे काट लिया कुत्ते ने आपको? भाई बैठा हुआ था बस अचानक से चिपट्टा मारा। ये शुगर मानो वो माशाल्लाह से 2 महीने का बच्चा है, बच्चा बच गया शुगर क्या करते डायरेक्ट गला पकड़ लिया था, लात मार के हटा नहीं, गला पकड़ लिया कुत्ते को। तुम थे नीचे? मतलब मैं पहले तो मैंने मारा उसको, पहले नाकू मारा मेरे हाथ से, आपने भी पकड़ा। अरे कुछ लिखवाती तो कुछ अंकल को जख्म दिखाती हूँ गाइस, आपको अंकल को कुत्ते ने काट लिया है, दिखाएं अंकल। ओए ओए उधर से दिखाएं साइड से।
वाकई मैं तो हैरान हो रही हूँ बहुत। इसका होना चाहिए कुछ ना कुछ करना चाहिए कि कुत्ते वगैरह जगह जगह जो बात है काटने वाले कुत्ते ऐसे आजाद नहीं घूमने चाहिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है। गड़ा दी कह रहे हड्डी पे जाके लगा है टक करके बस अल्लाह पाक अंकल को शिफा दे जल्द से जल्द अंकल ठीक हो जाए। मुश्किल है बाजी के जाने के बाद से तो बात है आंटी के जाने के बाद से अंकल चाह रहे अम्मा ये आपसे कैसे वो कर रहे जैनब ये मुझसे बिछड़ा हुआ है। घर चले अच्छा इनको बताओ आप कितने साल की हो? 3 साल के माशाल्लाह। और आप कहाँ रहते हो? तिंदी होटल। और आपके बाबा का नाम क्या है? मैं दादू के साथ जा रहा हूँ। कपड़े पैक कर दो भाई उसके। जी मुर्ती तक नारा जी मुर्ती तक नारा संदो से मुझे अंकल रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ सही हो गए सही हो जाएगा। हड्डी उसने दांतों से हाँ अगर अगर वो घसीटना शुरू कर देता अंकल की लात से भी नहीं हटता तो क्या होता? क्या हो गया? बला डल गई है बला डल गई है बला मनु का है बला के काटने के बाद बला डल गई कहाँ रैनब लग रहा है तुम्हारे ही भाई है। क्या हुआ? मैंने कहा गाना लग रही है तुम्हारे ही भाई है। चलो काटने के बाद बल्ला टल गई यार बहुत ले भाई है। बिट्टू आप क्या कर रहे थे देर से? बिट्टू कहाँ थे आप? जुहान आपके लिए ले जी यहाँ पे राइड ले रहे हैं। तो मैं तो कितनी दफा बोला अपने घर जाके रुको ये रुकती नहीं है तो मैं क्या करूँ? मम्मा पापा बोलते रहते हैं सब बोलते रहते हैं जाती है अपने घर बताओ जाती है? नहीं जाती। और जब नहीं बोलो तो जाने का कहती है मैं जा रही हूँ। यहाँ पर आके ज़्यादा कुछ डबल ट्रिपल काम कर मम्मा की इतनी दफा बोलती है बाबा बोलते हैं भाई हर लड़की अपने घर जाती है टिपल टिपल काम करने लड़कियाँ मौका ढूंढती है अपने अपनी अम्मी के अबू के घर जाने का कि हम सुकून के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसको हमारे ही घर में इतने माशाल्लाह से सुकून है फैसिलिटीज मिली हुई है इसका दिल नहीं करता जाने का। अय्याशी हमारे घर में माशाल्लाह से आगे की बात सारी सही थी अय्याशियों से कट हो जाएगा। तो भाई हम लोग घर आ चुके हैं और मुझे कुछ आप लोगों के साथ बात करनी थी। वो ये बात करनी थी के रस्तों में इस तरह जंगली कुत्ते घूम रहे हैं लोगों को नुकसान दे रहे हैं और मतलब ये एक बहुत अफसोस की बात है। ठीक है जानवरों से हमें बहुत प्यार है मुझे बहुत प्यार है और आप लोगों ने देखा है मैं जानवरों के साथ किस तरह प्यार कर रही होती हूँ। इवन मैं तो सांप जो होते हैं उन तक को नहीं छोड़ती मैं उनके साथ भी जो है वो खेल रही होती हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि पागल कुत्ते इस तरह रोड पर घूम रहे हैं और इस तरह लोगों को काट रहे हैं। चलो आज जैनब के अब्बू ना सही किसी और के अब्बू या किसी का भाई या किसी और को इस तरह अगर आपकी फैमिली कोई काट ले मुझे लगता है इस चीज़ पे एक्शन उठाना चाहिए और जितने भी कुत्ते इस तरह घूम रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि मतलब जिससे इंसानों को नुकसान ना हो एटलीस्ट क्योंकि अंकल का इतना नुकसान हुआ है वो बच्चे पर लपका था और वो बच्चे पर लपका था अंकल ने बच्चे को बचाने के चक्कर में उसने अंकल के हाथ को काट लिया। खैर अब अल्लाह पाक उनको ठीक कर दे जल्द से जल्द और अल्लाह पाक उनको शिफा दे। और अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिएगा। दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू गाइज़। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।